सवाल है गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने फोन के चार्जिंग एनिमेशन को चेंज कर सकते हो, क्योंकि गाइस फोन के एक ही चार्जिंग एनिमेशन को हम देखते देखते यूज करते करते बोर हो जाते हैं और हमें कुछ नया चाहिए होता है। इस वीडियो में गाइस मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसको आप यूज करके आप अपने फोन के चार्जिंग एनिमेशन को चेंज कर सकते हो, पुराने वाले चार्जिंग एनिमेशन को हटा के वहां पे एक नया चार्जिंग एनिमेशन लगा सकते हो, जो कि देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, काफी ज्यादा स्टाइलिश लगता है। चाहे आप किसी भी कंपनी का फोन यूज करते हो, ओप्पो, वीवो, रियलमी, रेडमी, सैमसंग, वन प्लस, आप सभी के चार्जिंग एनिमेशन को बदल सकते हो। वीडियो आज का काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काफी ज्यादा जरूरी है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कॉमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब आपको सबसे पहले अपने फोन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, ठीक है? आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहां पे सर्च करना है चार्जिंग एनिमेशन। यहां पे आपको फर्स्ट नंबर पे एक एप्लीकेशन मिलेगा, बैटरी चार्जिंग एनिमेशन। आपको यहां से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। 4.0 की काफी अच्छी रेटिंग है, ठीक है? सिंपली आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करना है। जब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, ठीक है? आपको यहां पे एक दो एड्स भी देखने को मिलेंगे, लेकिन गाइस ये जो एप्लीकेशन है काफी वर्किंग एप्लीकेशन है, काफी अच्छा एप्लीकेशन है, ठीक है? आपको यहाँ पे एक परमिशन भी अलाउ करना होगा, तो ऑलरेडी इसको मैंने अलाउ कर दिया है, ठीक है? अब आपको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एड्स आ रहे हैं, आपको इसको क्लोज कर देना है, ठीक है? अब गाइस आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस मिलेगा। आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है? यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एनिमेशन का, आपको इस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको एड्स को कट कर देना है। अब गाइस आपको यहां पे काफी सारे चार्जिंग एनिमेशन मिल जाएंगे, ठीक है? आप यहां पे देख सकते हो जो चार्जिंग एनिमेशन है देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। अब हम चार्जिंग एनिमेशन को ओपन करते हैं। आप यहां पे देख सकते हो जो चार्जिंग एनिमेशन है देखने में काफी ज्यादा स्टाइलिश लग रहा है। इन चार्जिंग एनिमेशन को आप अपने फोन में सेट कर सकते हो। अब गाइस यहां पे हम कोई दूसरा चार्जिंग एनिमेशन ओपन करते हैं। तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो ये जो चार्जिंग एनिमेशन है देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। इसको अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। अब गाइस आपको यहां पे एक सेटिंग मिलेगा, ठीक है? आप इसको कितना टाइम तक सेट करना चाहते हो, तो आपको यहां पे ऑलवेज का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप हमेशा के लिए सेट करना चाहते हो तो सिंपली आपको अप्लाई पे क्लिक करना है, ये अप्लाई हो जाएगा। यहां पे आपको टाइम फ्रेम भी मिलेगा, 10 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट। आप यहां पे मिनट को भी सेट कर सकते हो, सेकंड को भी सेट कर सकते हो, जितना टाइम तक आप इसको लगाना चाहते हो आपको यहां पे उसको सेट कर देना, ठीक है? अभी तो मैं यहां पे ऑलवेज कर देता हूं। इसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना, ठीक है? तो दोस्तों हमारे फोन में चार्जिंग एनिमेशन सेट हो चुका है। अब हम अपने फोन को चार्ज पे लगाते हैं। तो दोस्तों यहां पे हमने फोन को चार्ज पे लगा दिया है। आप देख सकते हो जो हमारा चार्जिंग एनिमेशन है देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। सेम इसी तरह दोस्तों आप भी अपने फोन के चार्जिंग एनिमेशन को चेंज कर सकते हो, जो भी देखेगा एक बार जरूर चौंक जाएगा, ठीक है? दोस्तों इस एप्लीकेशन की एक और खास बात है कि आप चार्जिंग एनिमेशन पे अपना फोटो भी सेट कर सकते हो, ठीक है? आप यहां पे अपना फोटो लगा सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको यहां पे अपना फोटो सेट करना है। सिंपली आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको यहां पे एक और ऑप्शन मिलेगा फोटो का, ठीक है? यहां पे हमारा एप्लीकेशन ओपन हो रहा है, एनिमेशन पे आपको क्लिक करना है। आपको गाइस यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा चूज फ्रॉम गैलरी, ठीक है? आपको इस पे क्लिक करना है। अब दोस्तों आपके फोन की जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगी। आपको यहां से उस फोटो को सेलेक्ट कर लेना है जिसको आप चार्जिंग एनिमेशन पे सेट करना चाहते हो। जैसे हमें ये वाला फोटो लगाना है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद आपको इसको अप्लाई कर देना है, ठीक है? इसके बाद आपको यहां पे क्लिक करना है। अब गाइस आपको यहां पे सेम सेटिंग मिल जाएगा टाइम फ्रेम वाला कि आप कितना टाइम तक इसको सेट करना चाहते हो, आपको इसको अपने हिसाब से सेट कर लेना है, ठीक है? इसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आपको एक और चीज का ध्यान देना है कि इसको हमेशा ऑन करके रखना है, ठीक है? तभी यह एप्लीकेशन काम करेगा। अब हम अपने फोन को चार्ज पे लगाते हैं। तो दोस्तों यहां पे हमने फोन को चार्ज पे लगा दिया है। आप देख सकते हो चार्जिंग एनिमेशन पे हमारा फोटो शो हो रहा है, जो कि देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, काफी ज्यादा स्टाइलिश लग रहा है। सेम इसी तरह गाइस आप भी अपने फोन के चार्जिंग एनिमेशन को चेंज कर सकते हो, चार्जिंग एनिमेशन पे अपना फोटो लगा सकते हो, जो भी देखेगा एक बार जरूर चौंक जाएगा।
उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।